हेलो और वेलकम टू स्टडी न्यूज़। रिसेंटली G20 एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है, जिसकी अध्यक्षता की है द किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने। इस मीटिंग के दौरान कई इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें रिड्यूसिंग लैंड डिग्रेडेशन है, इसका अर्थ है विश्व स्तर पर भूमि क्षरण को रोकना, और विश्व स्तर पर कोरल रीफ के बारे में भी चर्चा की गई है। तो जानेंगे इन सब के बारे में, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीटिंग वर्चुअली हुई थी। इस मीटिंग में हमारे भारत के तरफ से प्रकाश जावड़ेकर जी ने भाग लिया था। इस मीटिंग के दौरान सबसे इम्पोर्टेंट ग्लोबल इनिशिएटिव रहा भूमि क्षरण को कम करना। इसका उद्देश्य G20 देशों और विश्व स्तर पर भूमि क्षरण को रोकने के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क को और मजबूत करना है, क्योंकि इस समय विश्व स्तर पर सबसे ज़्यादा चिंताजनक विषय यही है कि फार्मिंग के लायक लैंड कम होते जा रहे हैं और मरुस्थलीकरण बढ़ता चला जा रहा है। इसके बाद दूसरा है द ग्लोबल कोरल रीफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सेलरेटर प्लेटफॉर्म। इसमें कोरल रीफ के संरक्षण के लिए एक ग्लोबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जिससे विश्व स्तर पर प्रवाल भित्ति संरक्षण के लिए मदद मिलेगी। विश्व स्तर पर आपको कई स्थानों पर प्रवाल भित्तियां नज़र आएंगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ है और इंडिया में लक्षद्वीप एक प्रवाल भित्ति का ही उदाहरण है। अब बात करते हैं प्रवाल भित्ति और भूमि क्षरण के लिए भारत के प्रयासों के बारे में। इसके तहत भारत का एक प्रोग्राम है नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम। नेशनल कोस्टल मिशन नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC के अंतर्गत आता है, जो तटीय क्षेत्रों के जलवायु परिवर्तन और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर कार्य करता है। इसी में भारत का ही एक प्रोजेक्ट है इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, जिसके तहत इस परियोजना को 2010 में विश्व बैंक की सहायता से तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए शुरू किया गया है, जिससे समुद्री तट पर प्रदूषण को नियंत्रित किया जाता है और समुद्री जीवों की सुरक्षा की जाती है। इस परियोजना के तहत तटीय पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण जैसे सदाबहार वृक्षारोपण, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन, कोरल ट्रांसप्लांटेशन पर काम किया जाता है। अब इसमें भारत के लिहाज से सबसे इम्पोर्टेंट है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। इसकी शुरुआत 2008 में की गई थी प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार की एजेंसीज, वैज्ञानिकों, उद्योग और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले खतरे पर जनता को जागरूक करना है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के 8 मुख्य कोर हैं। इसमें आप यहाँ पर और आसानी से समझ सकते हैं। इसमें फर्स्ट है नेशनल सोलर मिशन, फिर है नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी इफ़िशियंसी, इसका मतलब है ऊर्जा में वृद्धि के लिए राष्ट्रीय मिशन। इसके बाद है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये जो स्थायी निवास बनाते हैं उनके लिए राष्ट्रीय मिशन है। इसके बाद है नेशनल वाटर मिशन। पांचवा है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, ये हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। सिक्स्थ है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। सेवन्थ है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये कृषि से संबंधित एक राष्ट्रीय मिशन है। और आखिरी है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। तो इस बार G20 के एनवायरनमेंट मिनिस्टर मीटिंग में कोरल रीफ संरक्षण और भूमि क्षरण को रोकने के लिए कई इनिशिएटिव्स की शुरुआत की गई है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।